हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहताय अरे स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। तो मैं फिर से इकोने बड़ो साथ आ चुका हूँ फ्रेंड। और गैस बता दो, आज सुबह BGMI के अंदर न्यू कस्टम पैक का इवेंट आ चुका है। लेकिन गैस बता दो कि काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं, तो उसको लेकर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। उसके अलावा गैस यहाँ पे एक्सूट का जो इवेंट आप लोग चल रहा है वो गैस यहाँ पे एग्जैक्टली कब इंड होगा उसको लेकर बात करेंगे। और साथ में गैस यहाँ पे कैसे फ्री में गैस यहाँ पे रिन्यूम कार्ड मिलने वाला, तो उसको लेकर भी बात करेंगे। तो आप लोग डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ में चैनल में पहली बार आए हो जल्दी से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या गाइस यहाँ पे देख सकते हो, फिलहाल के लिए BGMI के अंदर कस्टम पैक का इवेंट आ चुका है। लेकिन गाइस बता दूं कि इस बार यहाँ पे जो रिवार्ड है इसमें गाइस यहाँ पे काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं। जिसमें गाइस यहाँ पे देख सकते हो, जो पहला आप लोग का 5 UC का गाइस यहाँ पे जो पैक है इसमें तो चलिए यहाँ पे कुछ भी आप लोग को चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे देख सकते हो, जो 15 रुपीज वाला गाइस यहाँ पे जो आप लोग का पैक है, यानी कि 15 UC वाला जो पैक है, इसमें गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो आप लोग का थर्ड नंबर में गाइस यहाँ पे रिवार्ड है, इसमें गाइस आप लोग पता होगा कि पहले गाइस यहाँ पे 4 आप लोग को सप्लाई क्रेट कूपन मिलता था। लेकिन अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो इसको चेंज करके गाइस यहाँ पे स्क्रैप कूपन कर दिया गया, यानी कि पहले गाइस यहाँ पे जो ग्लिच था अब उसको गाइस यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। और अब गाइस यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल नॉर्मल टाइप का यहाँ पे रिवार्ड देखने को मिलेगा। बाकी इसी टाइप से गए यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट आप लोग का 60 UC वाला पैक, और इसमें गए यहाँ पे चलिए पहला में तो आप लोगों को टाइम लिमिटेड के लिए रिवार्ड मिलता, लेकिन जो सेकंड नंबर में गए यहाँ पे जो प्लस का साइन है इसमें गए यहाँ पे देख सकते हो, जो आप लोग थर्ड नंबर में गए यहाँ पे रिवार्ड है इसमें गए अब आप लोग को 20 सप्लाई स्क्रैप कूपन मिल रहा, जबकि पहले गए आप लोग पता होगा कि यहाँ पे 20 आप लोग को कूपन मिलता था। तो यहाँ पे भी गए जो ग्लिच था उसको अब यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। फिर इसी टाइप से गए यहाँ पे देख सकते हो, जो 120 UC वाला पैक है इसमें भी गए आप लोग पता हो कि जो सेकंड नंबर का गए यहाँ पे जो प्लस का साइन है इसमें गए यहाँ पे देख सकते हो, पहले गए यहाँ पे 28 आप लोग को सप्लाई कूपन मिलता था, लेकिन अब गए यहाँ पे देख सकते हो इसको भी गए यहाँ पे चेंज करके स्क्रैप कूपन कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे भी गए जो ग्लिच था उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। यानी कि एक टाइप से गए यहाँ पे बोल सकते हो कि जो ग्लिच गए अभी तक यहाँ पे हम लोग जिसका फायदा उठा रहे थे इस इवेंट के अंदर, अब वो चीज़ गए यहाँ पे आप लोग फायदा नहीं उठा पाएगा। और एक टाइप से गए यहाँ पे बोल सकते हो कि और गए यहाँ पे ज़्यादा बेकार कर दिया गया कस्टम पैक का इवेंट को। पहले गए यहाँ पे एटलीस्ट चलिए कूपन के भरोसे गए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इसको परचेज करते थे, लेकिन अब गए यहाँ पे क्योंकि और भी ज़्यादा बेकार कर दिया गया, तो लिटरली गाइस मेरे को तो नहीं लगता कि काफी सारे लोग यहाँ पे अब लेना इसको पसंद करेंगे। बाकी आप लोग गाइस यहाँ पे कमेंट बताएं कि कस्टम पैक के अंदर गाइस क्या आप लोग अभी यहाँ पे परचेज करते थे या फिर नहीं, और क्या अब आप लोग गाइस इसके अंदर यहाँ पे परचेज करना इसको पसंद कीजिएगा या फिर नहीं। बाकी अब गाइस यहाँ पे आइए आप लोग सेकंड टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली गाइस जिससे कि आप लोग पता हो कि अभी फिलहाल के लिए BGMI के अंदर गाइस यहाँ पे एक्सूट का इवेंट चल रहा है, लेकिन इसके अंदर में गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा गाइस यहाँ पे कंफ्यूजन यही है कि आप लोग गाइस यहाँ पे ये जो डेट है ये एग्जैक्टली गाइस यहाँ पे कौन सा डेट हम लोग सही यहाँ पे माने, क्योंकि गाइस यहाँ पे देख सकते हो किसी किसी का यहाँ पे आप लोग को 25 जनवरी यहाँ पे दिख रहा होगा, और किसी किसी का गाइस यहाँ पे आप लोग को 24 दिसंबर दिख रहा होगा। तो अब गाइस यहाँ पे बात आती है कि किसका गाइस यहाँ पे बात सही है या फिर गाइस कौन सा डेट हम लोग सही माने। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे ऑफिशियल के साइड से गाइस यहाँ पे अगर हम लोग लेके चले तो इन लोग के साइड से गाइस यहाँ पे क्लियर बोला गया कि 24 दिसंबर को गाइस यहाँ पे जो आप लोग का एक्सूट का इवेंट है ये गाइस यहाँ पे एंड होने वाला है। और इसमें गाइस यहाँ पे देख सकते हो तो किसी ने यहाँ पे पूछा था कि डेट यहाँ पे 25 जनवरी क्यों यहाँ पे शो कर रहा है, तो इनके साइड से गाइस यही बोला जा रहा है कि ये बग है, इसी कारण से यहाँ पे आप लोगों को 25 जनवरी दिख रहा है। लेकिन आप लोग को गाइस यहाँ पे जो एक्सूट का इवेंट है ये 24 दिसंबर को एंड हो जाएगा। और देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक्सूट कार्निवल में गाइस यहाँ पे आप लोग को टाइमर भी दिख रहा होगा कि बस एक दिन का गाइस यहाँ पे टाइम बचा हुआ है। तो बस गाइस मैं आप लोग को सजेशन ये दूंगा कि आज के आज आप लोग जाकर गाइस यहाँ पे जितना भी आप लोग का रिवार्ड वगैरह इससे लेना है आज ही के दिन गाइस यहाँ पे ले लीजिए। आप लोग जनवरी वाला गाइस यहाँ पे टाइम को मान के मत चलेगा, वरना कहीं ना कहीं गए आप लोग को जाकर प्रॉब्लम होगा। बाकी अब आइए गए यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे गए आप लोग को यहाँ पे रिनेम कार्ड बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मिल सकता है। सो गाइस अब देख सकते हो इसके लिए मैं आ चुका हूँ पबजी मोबाइल के अंदर, और वैसे तो गाइस यहाँ पे फिलहाल के लिए पबजी मोबाइल के लिए, लेकिन गाइस हो सकता है कि ये सेम चीज़ आप लोग का BGMI के अंदर भी हो जाए। तो पहले गाइस यहाँ पे समझते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे बोला क्या गया है। तो बेसिकली गाइस जिससे कि आप लोग पता हो कि पबजी मोबाइल गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट आए हुए गाइस यहाँ पे 5 साल हो चुका है, और आप लोग को गाइस यहाँ पे पता ही होगा कि आप लोग गाइस यहाँ पे पबजी मोबाइल हो गया या BGMI हो गया इसके अंदर गाइस आप लोग का एक नाम रहता है जो कि गेम के अंदर आप लोग रख सकते हो। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे पबजी मोबाइल के साइड से ये बोला जा रहा है कि अगर गए यहां पे आप लोगों का जो PUBG मोबाइल का आईडी है उसको गए यहां पे देख सकते हो 15 जनवरी 2021 के बाद,
अगर आप लोग गाइस एक बार भी अपना आईडी को गाइस यहां पे लॉगिन नहीं किए होंगे तो आपका जो गाइस यहां पे नाम जो कि गेम के अंदर होगा उसको गाइस यहां पे छीन लिया जाएगा, यानी कि वो नाम गाइस यहां पे आपसे ले लिया जाएगा। तो अब गाइस यहां पे बात आती है कि ऐसा गाइस यहां पे क्यों किया जा रहा है पबजी मोबाइल के साइड से। तो बेसिकली गाइस आप लोगों को पता होगा कि स्टार्टिंग में गाइस यहां पे काफी सारे ऐसे गाइस यहां पे रेयर गाइस यहां पे निकनेम या फिर नेम था जो कि गाइस अब आप लोग कितना भी चाहिए उसको गाइस यहां पे नहीं ले सकते हो। एग्जाम्पल में गए यहाँ पे ले लीजिए कि किसी ने गए यहाँ पे स्टार्टिंग में अपना नाम रख लिए होंगे पबजी, तो अब गए यहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि गए यहाँ पे वो प्लेयर यहाँ पे खेलना छोड़ चुका है और गए यहाँ पे पबजी ऐसा नाम है जो कि बोल सकते हो कि थोड़ा रेयर टाइप का था, तो अब गए यहाँ पे दूसरा लोग तो नहीं ले सकता क्योंकि ऑलरेडी गए यहाँ पे ये नाम स्टार्टिंग में कोई रख चुका था। तो अब गए यहाँ पे इसी कारण से पबजी वाले यहाँ पे डिसीजन लिया कि ऐसा नाम जो कि यहाँ पे 2021 15 जनवरी से पहले जिनका था लेकिन अब गए यहाँ पे वो खेलना छोड़ चुके हैं तो वो सभी लोग का यहाँ पे जो नाम है उसको यहाँ पे वापस ले लिया जाएगा और आप सभी लोगों के लिए गए यहाँ पे दोबारा इसको अवेलेबल यहाँ पे करवा दिया जाएगा, जिससे गए यहाँ पे होगा ये कि अगर मान लीजिए अब आप लोग को वो सब मतलब यहाँ पे रेयर नाम रखना है तो आप लोग चाहो तो गए अब यहाँ पे अपना रख सकते हो। और उसके अलावा गए यहाँ पे देख सकते हो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड गए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि मान लीजिए गए कि अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे कोई एक नाम रखे होंगे लेकिन गए यहाँ पे 15 जनवरी 2021 से पहले लास्ट आप लोग लॉगिन किए होंगे लेकिन ये चीज गए मान लीजिए कि आप लोग पता चल गया कि जो नाम है वो गए यहाँ पे हम लोग का वापस लिया जा रहा है तो क्या हम लोग इसको रोक सकते हैं? तो जी हाँ गाइस बिल्कुल अभी आप लोग पास टाइम है कि आप लोग इसको यहाँ पे रोक सकते हो। इसके लिए गाइस यहाँ पे देख सकते हो टाइमिंग दिया गया कि 15 जनवरी 2024 से पहले अगर आप लोग उस पबजी मोबाइल का आईडी को वापस यहाँ पे लॉगिन कर लेते हो तो जो आपका नाम है उसको गाइस यहाँ पे वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन इन केस गाइस अगर मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पे अपना BGMI या फिर पबजी मोबाइल का आईडी को यहाँ पे वापस लॉगिन नहीं करते हो तो आप लोग का जो गाइस यहाँ पे नाम है उसको ले लिया जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोग का यहाँ पे मन में ये डाउट होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का एक बार नाम यहाँ पे ले लिया गया और वापस मान लीजिए कि हम लोग 15 जनवरी 2024 के बाद यहाँ पे लॉगिन करते हैं और उस नाम को हम लोग वापस रखना चाहते हैं तो क्या वो नाम यहाँ पे हम लोग वापस रख सकते हैं? तो गाइस अगर मान लीजिए कि वो नाम यहाँ पे कोई दूसरा प्लेयर नहीं लिया होगा तो जरूर आप लोग वापस इसको रख सकते हो। लेकिन इन केस मान लीजिए गाइस कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे पबजी नाम रखे थे लेकिन गाइस यहाँ पे जो पबजी है अब वो कोई दूसरा प्लेयर ले लिया तो उसके बाद गाइस अब आप लोग कितना भी ट्राई कर लीजिए ये नाम को यहाँ पे आप लोग नहीं रख पाएगा। तो बस गाइस यहाँ पे इन शॉर्ट में बात करूँ तो आप लोग को यहाँ पे करना ये कि अगर मान लीजिए आप लोग का पास ऐसा आईडी होगा जो कि यहाँ पे 15 जनवरी 2021 से पहले लास्ट आप लोगों ने लॉगिन किया था और उसके बाद गए यहाँ पे वापस आप लोगों ने कभी उस आईडी को लॉगिन नहीं किया तो जाइए और जाकर गए अभी बस एक बार आप लोग अपना आईडी को लॉगिन कर लीजिए ताकि यहाँ पे जो आप लोग का यूनिक नेम था उसको यहाँ पे सेफ आप लोग का पास रहेगा। तो ये था गए यहाँ पे काफी बड़ा वाला अपडेट। और बाकी इसके अलावा गाइस यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि गाइस यहाँ पे इतने सारे गाइस यहाँ पे नाम को हटाया जा रहा है और आप लोग को गाइस यहाँ पे वापस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप लोग गाइस यहाँ पे अपना नया नाम रख सकते हो, यूनिक नेम यहाँ पे रख सकते हो। तो इसी कारण से गाइस यहाँ पे देख सकते हो पबजी मोबाइल के साइड से डिसीजन लिया गया कि सभी लोगों को गाइस यहाँ पे बिल्कुल फ्री में एक रीनेम कार्ड गाइस यहाँ पे आपका जो इन गेम मेल रहता है उसके अंदर में यहाँ पे आप लोग को दिया जाएगा, यानी कि आप सभी लोग को यहाँ पे जैसे ही 3.0 का अपडेट आ जाएगा उसके बाद गए यहाँ पे सभी लोग को इन गेम मेल के अंदर एक रीनेम कार्ड यहाँ पे दे दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए गए यहाँ पे कोई यूनिक नेम जो कि आपको लगता है कि अब हम लोग को रखना चाहिए तो आप लोग यहाँ पे उस यूनिक नेम को यहाँ पे रख पाएगा। अब गए यहाँ पे बात आती है कि ये सेम चीज क्या BGMI के अंदर अप्लाई होगा या फिर नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए गए यहाँ पे वैसे तो BGMI के साइड से कुछ भी गए यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट इसको लेकर तो नहीं दिया गया लेकिन गए फिर भी मैं बोलूंगा कि अभी आप लोग यहाँ पे तैयार रहिएगा, क्या पता गए यहाँ पे BGMI के अंदर भी ऐसा कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। क्योंकि अगर आप लोग पता हो कि BGMI के अंदर भी गए यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर है जो कि अब यहाँ पे खेलना छोड़ चुके हैं गेम को तो हो सकता है कि BGMI के अंदर भी ऐसा यहाँ पे डिसीजन ले लिया जाए कि लास्ट गए यहाँ पे एक साल से जिनका बस यहाँ पे जो लोग खेल रहे हैं वही लोग गए यहाँ पे जो BGMI का आईडी का नाम है वो गए यहाँ पे रहेगा और बाकी इसके अलावा यहाँ पे जो पास्ट का जितना भी नाम होगा उसको गए यहाँ पे हो सकता है कि हटा दिया जाए। तो जैसे गए यहाँ पे BGMI को लेकर कुछ भी अपडेट आता है डेफिनेटली गए मैं अलग से डिटेल वीडियो बना के आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन फिलहाल के लिए गए यहाँ पे पबजी मोबाइल के अंदर कन्फर्म है कि जो आप लोग यहाँ पे यूनिक नेम है उसको आप लोग वापस ले
सकते हो। तो बस यहाँ पे जैसे ही 15 जनवरी आएगा उसके बाद गए आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर अपना नाम गए यहाँ पे पुराना कोई यूनिक नेम रखना है तो आप लोग गए यहाँ पे अपना रख सकते हो। तो बस गए यही था काफी बड़ा वाला अपडेट जो कि मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। बाकी इसके अलावा कुछ भी डाउट रह गया हुआ तो आप लोग चाहो तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।